देखिए उस पत्र में उसने लिखा जिसका बेटा मिलिट्री में आर्मी में उसकी नौकरी लगी है, मेरा नाम रामकली निरपत कुर्मी है, मैं तहसील खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आपकी है श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको, आपका बेटा राष्ट्र सेवा में जो लगा है उसके लिए साधुवाद है। धन्यवाद। मेरा बेटा कई साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था पर वहां कहीं नौकरी नहीं लगी उसे। तब आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूं। चोंगे जैसी आवाज आ रही है बाबा, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूँ, तुम भगवान शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, शंकर की उपासना करो, शंकर का स्मरण करो और तैयारी करो। वो महाराज कहते हैं कथा में कि तुम डट के मेहनत करो, अपना कर्म करो, फल मेरे महादेव पर छोड़ दो। मेरे बेटे ने कहा कि हो तो हो नहीं रहा सिलेक्शन, क्या मतलब, क्या व्रत करने से क्या सिलेक्शन हो जाता है, कथा सुनने से क्या सिलेक्शन हो जाता है, करें तो करें। अब बेटे ने मेरा कहना मानकर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ करा। जिस दिन उसने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जिस दिन उसने कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको जाना था, मिलिट्री का उसने फॉर्म भरा था, इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा था, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे ने शंकर भगवान की आराधना कर कर बेलपत्री पर शहद अंकित कर कर और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर थाम भरा और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हुआ मेडिकल और दौड़ के लिए उसके लिए आया खबर। तब मेरे बेटा कहता है माँ क्या मैं दौड़ में निकल सकता हूँ, क्या मेरा मेडिकल क्लियर हो सकता है। मैंने अपने बेटे से कहा भगवान शंकर पर भरोसा कर और शिव जी को नाम लेकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर दौड़ लगाना, जल पी कर जाना, बाबा तेरा साथ देगा। और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैंने 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम लिया था, इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं पहले पंडाल से। मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की।